आते हैं 28 जनवरी की डेट। यस सर। कौन कौन लाइव है? सर लाइव है सर। यस सर। लाइव है। यस सर। तो मेरी क्या क्लास थी? ग्राफिक्स का क्लास था। ग्राफिक्स किस किस का क्लियर है? यस सर। अगर पीएमआई आती है तो बना सकते हैं? यस सर। पीएमएल आती है तो बना सकते हैं? यस सर। 63P आती है तो बना सकते हैं? यस सर। हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट 90% हमारी रिसेट की लाइन खराब होती है। यस सर। इसकी लाइन खराब तो होती है, क्या हमको उसको रिवर्स ट्रेस करके विदाउट डायग्राम के निकाल सकते हैं? कौन कौन निकाल सकता है? सब निकाल सकते हैं। अच्छा, आज हमारा सातवां दिन है। कौन सा दिन है? सातवां दिन है। क्या आपने तीसरे दिन सीपीयू लगाया था? यस सर। क्या आपने चौथे दिन सीपीयू और तीसरे दिन पावर लगाया था? यस सर। दूसरे दिन कोई सी भी आईसी निकाल के रिवोल्व करने में सक्षम थे? एंड स्किल के साथ थे कि मतलब नीचे वाला काम है? और आज भी क्या है, आपने डुअल टेकर निकाल दिया? तो हमारा हम मतलब क्या प्रैक्टिकल वाला इंस्टीट्यूट है कि थ्योरी वाला इंस्टीट्यूट? जो सबसे ज्यादा होता है वो क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। अगर आपको पूरे इंडिया में सब कुछ देख रहे हैं तो कौन कौन अपनी जमानत देना चाहेगा? मेरी जमानत पे अच्छा आएगा तो पढ़ते जाएगा। किस किस की फीस वसूल हो गई? सात दिन में वसूल है। सर देखो, 7 दिन में इनकी फीस वसूल है। इनको वो नॉलेज मिला है और ईमानदारी से टीचरों ने भी पढ़ाया इनको। क्या कभी ऐसा हुआ कि सवेरे 7 बजे क्लास लगी है आपकी और रात को फिर 10 बजे गए? हम तो 15 घंटे बोलते नहीं, हम तो 10 बोलते हैं। हम 10 से 12 घंटे क्या पढ़ाते हैं? हम 12 घंटे 15 घंटे भी होते हैं ना। चलिए ठीक है, तो मैं सबसे पहले आऊंगा जुनैद के बाद। तो जुनैद ये बताइए, एशिया टेलीकॉम में आज ग्राफिक्स का क्लास 10 बजे ग्राफिक्स का क्या नॉलेज था और अभी 9 बजे रात को क्या नॉलेज है? एडवांस के। अच्छा, दूसरों में और हमारे में क्या हुई? दूसरों में सर वही अपना डिपेंड रहते हैं बोर्डनियो पे, अपना स्केचमेटिक पे। हम अपने ऊपर है कि हमें अपने आप सर्किट को पहचानना है, सर्किट को अपना वोल्ट चेक करना है, फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, सब चीज चेक करनी है। अगर मैं आपसे ग्राफिक्स में पूछूं कि अगर आपका ग्राफिक्स नहीं आता तो पहला काम कौन सा करना है, दूसरा कौन सा करना है, तीसरा कौन सा करना है, चौथा कौन सा करना है, स्टेप बाय स्टेप पता है कि नहीं पता? सर बिल्कुल पता है। अगर मैं बोलूं कि ग्राफिक्स का लाने के लिए आप डीएसओ का इस्तेमाल करो तो लाइव डीएसओ का इस्तेमाल किस किसने करा है? हमने किया है लाइव डीएसओ का। यस सर। लाइन ट्रेस करने में हम सक्षम हैं। यस सर। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम लकी सोलंकी है। लकी सोलंकी, आज हमारी ग्राफिक्स की क्लास। यस सर। तो बताइए मेरे को कि ग्राफिक्स की क्लास में अभी ग्राफिक्स बनाने में 10 बजे क्या नॉलेज था और अभी रात के 9 बजे क्या नॉलेज? सर अभी ग्राफिक्स के बारे में सुबह तो कुछ जानकारी नहीं थी, अभी आप बोलो तो मैं बोर्ड पे आईसी की ड्रॉप करके बता सकता हूं। जो सर आपने आईसी ड्रॉप करके बता सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट 15 बॉल्स हो, वो पीएमआई हो, पीएमएल हो, 63P हो। यस सर। कोई सी भी आईसी, कोई सी भी ग्राफिक की प्रॉब्लम से अगर मेरे पास मोबाइल आता है सर, मैं उसे 110% कंफर्म कर दूंगा, कंफर्म करके बना के। यस सर। चलिए ठीक है, अगर डीएसओ की जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेंगे आप? फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे अगर सर? फ्रीक्वेंसी से अपन को सही पता नॉलेज लग जाएगी अपन को क्या है क्या। यस वेरी मच। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम अब्दुल है। अब्दुल ये बताइए मेरे को कि 10 बजे अब्दुल को क्या ग्राफिक्स का क्या नॉलेज था और रात के 9 बजे क्या नॉलेज है? सर एज ए फिर मैं बताऊं, 10 बजे तो मैं 0 था ग्राफिक्स के बारे में। यस यस। अभी जो भी आप मोबाइल दे दो तो मैं ग्राफिक्स बना लूं। अच्छा, दूसरी बात, ये तो ग्राफिक्स हो गया, इसका प्रैक्टिकल भी किया हमने। अब प्रैक्टिकल के बाद अब ये बताइए मुझे कि इसके प्रैक्टिकल के बाद ये बताइए मुझे कि आपका हैंड स्किल भी पूरा कंटिन्यू चालू है? हां सर। रोज हो रहा है हैंड स्किल? हां सर, रोज हो रहा है सर। रोज हो रहा है। हां सर। तो हैंड स्किल भी जरूरी है, लाइनों का नॉलेज भी जरूरी है, डायग्राम के साथ भी चाहिए, विदाउट डायग्राम के साथ भी चाहिए। तो तीनों चारों चीजें मिल रही है हमको? सब मिल रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बेस्ट। तो चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, अब ये बताइए कि सातवें दिन अब क्या पोजीशन पे बैठे हो आप और ग्राफिक्स का सवेरे क्या नॉलेज था और अभी क्या नॉलेज? सर सुबह तो वैसे कुछ भी पता नहीं था क्या होता है ग्राफिक्स क्या था, उसके बाद जब पढ़ाया अच्छी तरह से अब इस टाइम तो मतलब कोई भी ग्राफिक्स किसी भी किस्म का होगा तो उसको हम पूरा ट्रेस कर लेते हैं किसी भी तरीके से। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ नेक्स्ट स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। मैडम जय जी। तो जय, चेहरे पे ये मुस्कान, दुकान बंद करके आए हो, फीस लगा के आए हो, तो जो रिव्यू देखोगे सच्चा दोगे कि झूठा दोगे? सच्चा दोगे। तो क्या बोलना चाहोगे राजस्थान वाले को कि अभी 7 दिन में क्या पोजीशन हो गई है? सर 7 दिन के अंदर मतलब अभी तक जो नहीं सिखाता ना उससे अच्छा सीख सके सर 7 दिन। अच्छा, और हैंड स्किल की आप कितने साल से मोबाइल की रिपेयरिंग के? 10 साल से। तो 10 साल का करियर खत्म हो गया 7 दिन में? यस सर। बोल सकते हैं सर? बिल्कुल सर। हैंड स्किल कैसी है अभी आपकी? बहुत बढ़िया सर। हैंड स्किल बढ़िया है आपकी? लाइनों का नॉलेज? लाइनों का नॉलेज बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। आप कोडिंग समझ रहे हैं? कोडिंग बिल्कुल समझ रहे हैं। अगर एक बार अगर कोडिंग बताई जाती तो सारी चीजें समझ में आ जाती है आपको? सारी चीजें समझ में आती। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। निकेतन, कहाँ से आप? नेपाल से। तो निकेतन 10 बजे क्या नॉलेज था निकेतन नेपाल को और अभी 9 बजे क्या नॉलेज है? अभी तक तो कुछ भी नॉलेज नहीं था सर, अभी तो हम जो सा मोबाइल का ग्राफिक्स भी फिक्स कर सकते हैं सर। क्या
विशाल एशिया टेलीकॉम में आज 10 बजे विशाल को क्या नॉलेज था और अभी रात के 9 बजे क्या नॉलेज है? सर पहले 10 बजे पहले ग्राफिक्स का नॉलेज नहीं था, अभी तो पूरा नॉलेज हो गया सर। अच्छा, अगर आपके पास कोई सा भी आंसर आता है तो मैं बना सकता हूँ सर। रिटर्न जाएगा क्या? नहीं नहीं सर, नहीं जाएगा। गारंटी के साथ? गारंटी है सर। चलिए, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, किसका नाम बताइए? जी तरुण गर्ग। जी तो तरुण, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि अगर ग्राफिक्स की अगर सीपीयू की लाइन खराब हो तो बना सकते हो आप? जी सर। सीपीयू की लाइन कौन सी आती है, क्या आती है, इसकी पहचान है आपको? जी सर। जी सर, इसकी पूरी जानकारी आपको? हाँ जी। रिसेट की लाइन अगर आपकी मिस हो गई तो आप रिवर्स टेक्निक से आप उसको निकाल सकते हो? जी सर। विदाउट डायग्राम के? जी सर। डाटा शीट है, अगर डाटा शीट मिल जाए आपको आईसी की, तो हम रिवर्स ट्रेसिंग कर सकते हैं? जी सर, कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा कि अभी हेड स्किल की बात करूंगा तो हेड स्किल क्या है अभी? जी बढ़िया सर, मतलब अभी डबल टेकर की थी हमने। जी जी, निकाला लगाया और सीपीयू पहले किया था, उससे पहले पावर आईसी किया था, सही निकाला जी, जिंदा फोन पे निकाला, जिंदा फोन लगाया। तो स्टूडेंट है मेरे साथ, चलिए तो आप प्लीज अपना नाम बताइए। मेरा नाम अतुल है और मैं मेरठ से आया हूं। अतुल ये बताइए मुझे कि एशिया टेलीकॉम में अतुल को 10 बजे क्या नॉलेज था? अतुल आप मेरठ से हो, चाहते तो दिल्ली की किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। आपने भरोसा एशिया टेलीकॉम में दिखाया, आपके भरोसा जो एशिया टेलीकॉम में आपने दिखाया वो भरोसे पे एशिया टेलीकॉम कहाँ तक लेके गया? बिल्कुल खड़े उतरे हैं, बिल्कुल हमारे भरोसा बिल्कुल अच्छा निकला सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी नॉलेज दिया है। या आईपीएस डिस्प्ले के बारे में डायग्राम बनाया था जी, कितना इनपुट आता है, कितना इनपुट निकलता है, और मैं पी के लाइनों का डीएसओ से चेक करवाया था जी, और हमको इसका बहुत अच्छे नॉलेज हो चुका है सर। तो अगर अभी अभी हमको ग्राफिक्स से प्रॉब्लम आती है जी सर, तो किसी भी टाइप का आईसी लगा हो तो हम बनाने में बिल्कुल सक्षम है। बिल्कुल, तो चलिए मेरे साथ नेक्स्ट स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए। जीतेश। जीतेश ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम में आज आपका ग्राफिक्स का क्लास 10 बजे, जीतेश को क्या नॉलेज था और अभी रात के 9 बजे क्या नॉलेज था? पूरी लाइनें वैसे करवाई हैं आज, उससे ही मैंने आईसी निकाली थी सर, एक एक लाइन चित्र है बकायदा मैंने आईसी निकाली। आपने डीएसओ का इस्तेमाल करके क्लियर कराया? हाँ। आपको कहाँ पे डीएसओ का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना है? सब हो गया। चलिए तो मेरे साथ स्टूडेंट है, बताइए। जी सर, मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं राजस्थान से हूँ जी। आज हमारा ग्राफिक आईसी का सेक्शन था, तो मैंने खुद ने स्वयं से ये डायग्राम बनाया, पूरा समझ के बनाया, पूरा समझ के, पूरा टेक टू जेड समझ के बनाया। अगर मैं ग्राफिक्स की बात करूं तो डिस्प्ले कनेक्टर, सीपीयू, आप ग्राफिक्स आईसी, ये पूरे दिमाग में बैठ गई है? बिल्कुल सर, मैं कर लूंगा ग्राफिक्स का काम, बस एक एक लाइन विद कंपोनेंट के, एक एक कंपोनेंट विद वोल्टेज के, विद वोल्टेज विद फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सर, डीओ से जो सबसे चेक करके बना सकता हूं। तो इतना कॉन्फिडेंस 7वें दिन कैसे बन गया? यहां का टेक्निक अलग है, यहां मैजिक है, बिल्कुल सिखाने का तरीका बिल्कुल मैजिक है। तो चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए अपना। धीरज, कहाँ से आप? धीरज बिहार से, आप बिहार से इतनी दूर से, चाहते तो बिहार में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना, आप वहाँ जा सकते थे, दिल्ली नजदीक था, वहाँ जा सकते थे, फिर एशिया टेलीकॉम क्यों? एशिया टेलीकॉम क्यों? यहाँ पे जो जिस चीज के लिए आया था सर, वो मुझे यहाँ मिल रहा है, वो चीज मिल रही है आपको। अगर मैं हम लाइनों की बात करें और लाइनों के साथ अभी देखो प्रोग्रामिंग की और सॉफ्टवेयर की क्लास अभी आपकी बाकी है, बाकी क्लास है। अगर मैं लाइनों की बात करूँ मैं और प्लस मैं हैंड स्किल की बात करूँ अभी, तो हैंड स्किल कैसा हो गया और लाइनों का नॉलेज कैसा है? बिल्कुल सर, 100% क्या ये इंस्टीट्यूट स्केमेटिक से पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट है? नो सर, खाली स्केमेटिक स्केमेटिक और स्केमेटिक ही होता है? नो सर, यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है और लाइन का भी नॉलेज बहुत अच्छा दिया जाता है। तो लाइन का थ्योरी अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है और हैंड स्किल का भी रोज काम होता है, हैंड स्किल में कंटिन्यू काम होता है, कंटिन्यू काम होता है, डेली काम होता है। चलिए थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बताइए अपना। अर्जुन सिंह मेरा नाम है। अर्जुन सिंह, अभी तक ईमानदारी से बताओ 7 दिन में कितने आईसी को निकाल के लगा के और रिवॉल्व कर चुके हैं? ईमानदारी से बताओ। मैं कई फोनों को एक करके ऑन करके चेक कर चुका हूँ, स्किल पे एकदम बढ़िया और सर्किट का नॉलेज एक नंबर का दिया था, सर्किट का नॉलेज एकदम। जो जो भी हमारे सेक्शन में, अगर मैं आप आज आपसे बात करूँ, आईपीएस का ग्राफिक्स हुआ था, हम चीजों को आसान तरीके से सिखाते हैं, है ना। हमने डिस्प्ले का जो सेक्शन है उसको 4 भागों में तोड़ा जी सर, सिर्फ एक भाग मिला है आपको, अभी 3 बाकी है, अभी कितने बाकी है? 3 आपके बाकी है अभी जी सर। तो जो आज आपका पहला नॉलेज मिला है वो एंडलेस नॉलेज मिला कि नहीं मिला? एंडलेस इंडलेस मिला, बहुत बढ़िया मिला, कोई भी फोन टेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट करके फोन बना सकते हैं। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, प्लीज नाम बताइए अपना। सर सूरज, सूरज तो ये बताइए कि 10 बजे सूरज को क्या नॉलेज था और रात के 11 बजे क्या नॉलेज? सर हम बोलना चाहेंगे 0 से हीरो। जीरो से? जीरो से हीरो। आप कहाँ से बेसिकली? नेपाल से। नेपाल से, तो नेपाल के बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अपनी भाषा में नेपाल वालों को क्या बोलना चाहिए? वही बोलना चाहन्छु कि नेपाल में त्यति स्किल पाउन सक्दैन, तर यहाँ चाहिँ जबलपुरमा सबभन्दा राम्रो स्किल पाइरहेछ आज मलाई। अच्छा, तो यहाँ पर नेपाल से जबलपुर आने में कोई दिक्कत है? क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे आईसी लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही यूट्यूब में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम। बहुत ही कम फीस में आप सीख सकते हैं आईफोन का मास्टर, सर्किट लेवल का कोर्स, वो भी ऑनलाइन। अब दुकान पर काम के साथ सीखो भी।
इस कोर्स में आपको मिलेगा रिगल 4 चैनल DSO और UTD 2 चैनल DSO की कंप्लीट ट्रेनिंग, जिसकी फीस मार्केट में 20,000 से 80,000 तक होती है। अभी डाउनलोड करें एशिया टेलीकॉम आईफोन मास्टर ऐप प्ले स्टोर से।